अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड टेकिंग गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू यूनिट एंड द यूनिट नेम इज़ पोर्थोल। नाउ ओपन योर बुक पेज नंबर 33 एंड द यूनिट नेम इज़ पोर्थोल। बिफोर स्टार्ट द रीडिंग, लेट्स डिस्कस द मीनिंग ऑफ पोर्थोल। पोर्थोल मीन्स घड़ा पड़ जाना या शगाफ पड़ जाना। मीन्स कि ज़मीन की सरफेस पे अगर कोई शगाफ पड़ जाता है या मतलब टूट फूट हो जाती है, उसको पोर्थोल बोलते हैं। हम देखते हैं कि रोड्स वगैरह पे अक्सर जो रोड्स की सरफेस होती है ना, तो वो टूट फूट का शिकार हुई होती है और उसमें घड़े पड़े होते हैं, तो उसको जो है हम पोर्थोल बोलते हैं। दिस स्टोरी इज़ अबाउट एन इंटेलिजेंट गर्ल फायज़ा। नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। Faiza looked out of her bedroom window. Another car was stuck in the road. The driver and an older man were changing one of the front wheels. Faiza जो है वो अपने बेडरूम की विंडो से बाहर देख रही है और वो क्या देख रही है कि एक और जो कार है वो वहाँ पे रोड पे जो है वो धुंस गई है। द ड्राइवर एंड द ओल्डर मैन वर चेंजिंग वन ऑफ द फ्रंट व्हील्स। के एक ड्राइवर, कार ड्राइवर और एक ओल्ड मैन जो है वो कार का जो है वो फ्रंट व्हील्स जो है उनको चेंज कर रहे हैं। फाइजा वॉच एज द मैन वर्क इन द ब्लेजिंग सनशाइन। ब्लेजिंग सनशाइन मीन्स के धूप जो है वो बहुत ज़्यादा है, वेदर जो है वो हॉट है, शाइनी ब्राइटली एंड हॉट जो है वो वेदर है। तो फायज़ा देख रही है कि वो जो मैन है इतनी ज़्यादा गर्मी में वो जो है वो वर्क कर रहे हैं। अ वूमेन एंड टू चिल्ड्रन वर सीटिंग बिसाइड द रोड अंडर अ ट्री शेल्टरिंग फ्रॉम द सन। और एक औरत और दो बच्चे जो हैं वो रोड की साइड पे एक दरख्त के नीचे बैठे हुए हैं ताकि वो धूप से बच सकें, शेल्टरिंग फ्रॉम द सन, ताकि वो सन से जो है वो अपने आप को सेव कर सकें। फाइजा स्विच ऑन हर कंप्यूटर। शी ओपन्ड हर कैलेंडर एंड बिगन मेकिंग नोट्स ऑन अ शीट ऑफ पेपर। फाइजा जो है वो उसने अपने कंप्यूटर को ऑन किया है और उसने कैलेंडर जो है वो देखा है, ओपन किया है उसको, एंड बिगिन मेकिंग नोट्स ऑन अ शीट ऑफ पेपर। और एक पेपर पे जो है वो उसने नोट्स बनाना स्टार्ट किए हैं। सो मैनी एक्सीडेंट्स इन जस्ट 2 वीक्स। कि इतने ज़्यादा एक्सीडेंट्स जो हैं वो 2 हफ्तों में हो गए हैं। सेट फाइजा टू हर सेल्फ। कि फाइजा जो है वो अपने आप से मतलब अपने आप से बात कर रही है। समथिंग मस्ट बी डन। कि अब कुछ करना पड़ेगा। द रोड इज़ टू डेंजरस फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द किंडर गार्डन नेक्स्ट डोर। कि रोड की एक साइड पे जो है वो छोटे बच्चों का मतलब किंडर गार्डन क्लासेस के जो स्टूडेंट्स हैं उनका एक वहाँ पे स्कूल है। तो फाइजा कह रही है दिस रोड इज़ टू डेंजरस। कि ये जो रोड है बहुत ज़्यादा डेंजरस है फॉर द चिल्ड्रन। वो जो किंडर गार्डन स्कूल्स के चिल्ड्रंस हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो डेंजरस है। फाइजा लुक्ड आउट द विंडो अगेन। फाइजा जो है वो विंडो से दोबारा बाहर देखती है। द मैन हैड फिक्स्ड द व्हील एंड वर वाइपिंग देयर हैंड्स ऑन सम ओल्ड रैग्स। ओल्ड रैग्स मीन्स द क्लॉथ यूजिंग फॉर डस्टिंग एंड क्लीनिंग। कि मैं फाइजा ने जब दोबारा विंडो से देखा है तो उसने देखा है कि वो जो मैन थे उन्होंने व्हील चेंज कर लिया है, फिक्स कर लिया है, एंड अब वो क्या कर रहे हैं कि अपने हैंड्स जो हैं उनको साफ कर रहे हैं ओल्ड रैग्स के साथ। द फ्यू मैन एंड चिल्ड्रन वर इनसाइड द कार। सून द कार ड्रॉप अवे। कि वो जो औरत और बच्चे थे वो अब कार में भी बैठ गए हैं और वो कार वहाँ से जा चुकी है। द बिग पोर्थोल इन द रोड लाइक अ गैपिंग माउथ वेटेड डार्कली फॉर इट्स नेक्स्ट विक्टम। फायदा देखती है कि उस रोड पे एक बहुत ज़्यादा बड़ा जो है पोर्थोल है, लाइक अ गैपिंग माउथ। कि जैसे एक किसी भी चीज़ का जो है ना माउथ जो है वो वाइडली ओपन हो। एंड वेटेड डार्कली फॉर इट्स नेक्स्ट विक्टम। कि वो अब जो है वो डिस्परेटली जो है अपना मतलब वेट कर रहा है अपने अगले शिकार के लिए।
Faiza returned to her computer and wrote a letter. Faiza दोबारा अपने कंप्यूटर के पास बैठती है और एक लेटर जो है वो राइट करती है, और वो जो लेटर राइट करती है वो एक मतलब गवर्नमेंट को राइट करती है वो रोड की कंस्ट्रक्शन के लिए. अ वीक वेंट बाय, एक हफ्ता गुजर गया है. 3 weeks वेंट बाय, 3 हफ्ते गुजर गए हैं. Faiza waited every day for a reply to her letter. फ़ायज़ा जो है वो डेली हर रोज़ जो है वो अपने ख़त का जो है वो मतलब रिप्लाई देखती है, लेकिन उसको मिलता नहीं है. नो रिप्लाई केम, कि उसको कोई जवाब नहीं आता. एवरी डे, हर दिन. फ़ायज़ा मेड अ न्यू एंट्री इन हर एक्सीडेंट लॉग, कि हर रोज़ जो है वो फ़ायज़ा अपना जो उसका एक्सीडेंट लॉग था, मतलब वो जो नोट्स बना रही थी जिस पे वो राइड कर रही थी एक्सीडेंट में, उस पर डेली बेसिस पे वो जो था वो एक न्यू मतलब एक्सीडेंट जो था वो उसको ऐड कर रही थी. ऑटो स्टक, साइक्लिस्ट फॉल्स इनटू गटर, मैन इंजर्ड, बास्केट्स फॉल इनटू रोड, लॉरी हैज अ पंक्चर, कि ऑटो जो है वो फंस गया है रोड पे, एक साइकिलिस्ट जो था वो मतलब गटर में गिर गया है, आदमी जो है वो ज़ख्मी हो गए हैं, बास्केट्स जो हैं वो रोड पे गिर गई हैं, लॉरी हैज़ पंक्चर, लॉरी जो है वो एक बस को कहते हैं, वो भी जो है वो उसके टायर पंक्चर हो गए हैं. डेट्स इनफ, सेड फ़ायज़ा टू हर सेल्फ, कि ये अब मतलब इनफ हो गया है. फ़ायज़ा अपने आप को कह रही है, अपने आप से बात कर रही है. आई एम नॉट वेटिंग अ मोमेंट लॉन्गर, क्या मैं एक लम्हा भी अब इंतज़ार नहीं करूँगी, वेट नहीं करूँगी. फ़ायज़ा फाउंड अ बास्केट एंड फिल इट विद सॉइल फ्रॉम हर गार्डन. फ़ायज़ा जो है उसने एक बास्केट ली है और उसको सॉइल के साथ जो है मतलब फिलअप किया है, अपने गार्डन से उसने ली है. शी पैक्ड सम कंपोस्ट इनटू अ बैग, शी केयरफुली डग आउट अ फ्यू स्मॉल फ्लावरिंग श्रब्स एंड पुट देम इन अ बैग, कि उसने अब क्या किया है, कंपोस्ट एक बैग में जो है वो कंपोस्ट जो है उसको पैक किया है, और खाद उसको बोलते हैं. और अब उसने क्या किया है कि फ्लावरिंग श्रब्स, फूलदार झाड़ियाँ जो होती हैं ना छोटी सी, वो जो है उसने बहुत केयरफुली जो है उनको बाहर से निकाला है और उनको एक बैग में रख दिया है. शी फिल्ड एन ओल्ड वाटरिंग कैन विद वाटर, कि उसने जो है एक वाटर कैन जो है उसको पानी से फिल किया है. देन शी फाउंड 3 long lengths ऑफ वुड एंड सम बॉट पिंस, और उसने 3 जो है वो लकड़ी के टुकड़े जो है वो लिए हैं, और सम बॉट पिंस और बॉट पिंस लिए हैं. स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की रीडिंग, यहाँ तक आज आपने जो है वो रीडिंग की है इसकी, बाकी जो है इंशाल्लाह हम कल करेंगे. अल्लाह हाफिज़.